हमारी पायों की लुक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में जब, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेसिपी आ गई है पायों की। एक रेसिपी मामा ने दी थी, एक मैं आपको देने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। यहाँ पे हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले है हमारे पास लहसुन, उसके बाद है हमारे पास प्याज, टमाटर। फ्रेंड्स आपने बिल्कुल ग्राइंड करना है, काटना नहीं है। काटने की वजह से आपका शोरबा अच्छे से नहीं बनेगा, तो आपने इसको ग्राइंड करना है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद है हमारे मसाला जार। फ्रेंड्स सबसे पहले है हमारे पास ज़ीरा, उसके बाद है दालचीनी, इसके बाद है काली मिर्च, नेक्स्ट है जी मोटी इलायची, उसके बाद है लौंग, देन सब्ज़ी इलायची, उसके बाद है सौंफ, देन है सूखा धनिया, देन दादर मिर्च। आप इसकी जगह पे लाल बिल्कुल पाउडर मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों, लाल मिर्च जो पिसी हुई बिल्कुल और पाउडर मिर्च, आप सबसे पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च आपने बिल्कुल एंड पे डालनी है, उससे फिर यू नो गले में लगेगा, आप पहले ही डाल देंगे तो। उसके बाद है हमारे पास हल्दी, देन है सॉल्ट, है सारे हमारे मसाला जात, और इन सब चीज़ों को मैं हमारे पाए में पुट करूँगी एंड देन कुकर को बंद करेंगे, फिर इसको लंबा चूल्हे पर चढ़ा देंगे। सब चीज़ों को अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी गार्लिक एंड और अनियन। अनियन आपने इसमें कम डालना और गार्लिक आपने ज़्यादा डालना, फिर शोरबा बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे जा रहे हैं हमारे टमाटोज जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं। ये हमारा सारा कुछ डाल गया अंदर। अब इसको मिक्स करेंगे एंड इसको बंद करेंगे और चूल्हे पर रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने कुकर को बंद कर लिया और अब हम इसको देंगे सीटी। फ्लेम भी ऑन करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही सीटी लग जाएगी ऑब्वियसली। फ्लेम हमने फुल रखना है क्योंकि ज़्यादा जल्दी सीटी आए, स्लो पे मैंने आज तक नहीं देखा वैसे कुकर। फ्रेंड्स इसकी 10 मिनट विसल बोल चुकी है। फ्रेंड यहाँ पे हम पहले तो फ्लेम ऑन करेंगे, दाल इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे लग रहा है इसको हमें एक और सीटी देनी पड़ेगी भूनने के बाद। फ्रेंड इसके अंदर से मिक्स निकलेगी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब ये सीटी बोल रही थी जो खुशबू आई थी, हमारे पाए बुन चुके हैं, इनमें डालने वाले हम पानी। ये जा रहा है पानी, ये पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं ऑब्वियसली। ये है जी पानी, कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड। जो इसकी खुशबू आ रही है ना, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप अपने घर बनाई थी रेसिपी से और सेम स्मेल आएगी। हम कुकर को बंद करेंगे एंड इसको सीटी देंगे। फ्रेंड यहाँ पे विसल बोल रही है, हाफ एन आवर हो गया एंड अब इसको हम खोलने वाले हैं, देन आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है हमारे पायों की लुक एंड इनको आप राइसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं एंड मज़ेदार किस्म के नान के साथ भी, और इतने मज़े के बने हैं ना, आप इनको ट्राई करें, कमेंट्स पे बताएं आपके कैसे बने हैं। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।